Assalamu alaikum everyone, thank you so much for tuning in on my channel. Mera naam Hamna hai, I am an art healer. I believe art mein itni taakat hai ke wo hamare jo andar ke traumas hain aur subconscious mind ki programming hai, unko aise shift kar sakta hai ke jaise कि वो कभी थे ही नहीं. आई नो यू माइट नॉट बिलीव मी बट इट्स ट्रू एंड आई प्रोमिस यू व्हेन यू ब्रिंग इन द एलिमेंट ऑफ जिक्र ऑफ बीइंग इंस्पायर्ड बाय द मोस्ट ब्यूटिफुल अल्लाह देन देर इज नो क्वेश्चन हाउ अल्लाह हील्स अस थ्रू कलर्स थ्रू पैटर्न्स थ्रू म्यूजिक थ्रू हिज नेम्स एंड द आयत्स ऑफ कुरान. इफ यू फील लाइक जॉइनिंग मी फॉर माई सेशंस विच आर मंडे और फ्राइडे को होते हैं 11 से 1 बजे यूके टाइम, जूम के थ्रू आप कहीं से भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. आप इन सेशंस के थ्रू ऑफ कोर्स आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, ऑफ कोर्स आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई फोकस ऑन इज कनेक्शन विद योर अल्लाह एंड कनेक्शन विद हिज क्रिएशन, ताकि वो इंस्पायर होकर आप अपनी क्रिएटिविटी पे वॉर कर सकें. एनीवे दैट इज़ समथिंग दैट आई डू. अगर आपको लगे कि आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आइदर लीव मी अ कॉमेंट डाउन हियर और कनेक्ट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज़ hamna_being. एंड टुडेज़ टॉपिक व्हाट आई वांटेड टू शेयर वाज कि जब हम खुद की हीलिंग करने के रास्ते पे चल पड़ते हैं ना, तो ऑफ़ कोर्स देयर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज एंड देन देयर इज दिस होल थिंग कि थेरेपी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. मेरे ख्याल में थेरेपी इज़ अ मस्ट. इट इज़ अ वे टू रिलीज प्रेशर फ्रॉम योर इनर बीइंग. और जाकर आप किसी से बात करते हो, एक ऐसी जगह पे अपने आप को लेकर जाते हो जहाँ पे कोई सुन रहा है आपकी मगर वो आपको जज नहीं कर रहा. खामोशी से वो आपकी बात सुनते हैं, आप सारी बातें करते हैं. अगर कोई चीज़ होती है जिसमें आपको वो हेल्प कर सकते हैं तो वो आपको बोल देते हैं, नहीं तो ये कि एटलीस्ट आप अपने दिल की बात करके अपने आप को हल्का तो महसूस कर सकते हैं. वो खच 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 जो दिमाग में चल रहा होता है वो बातें तो कुछ कम होती हैं. एंड सम पीपल से ओ मेरे पास तो इतनी दोस्त हैं, मुझे क्या ज़रूरत है थेरेपी की, या मेरी तो इतनी अच्छी फैमिली है और यू नो मुझे क्या ज़रूरत है. सी द थिंग इज़ थेरेपी इज़ नॉट something that you do with your friends and not something that you do with your family. Therapy is something that leads you to healing. Healing is all about aap apni rooh ko aur jism ko kis tarah se align karte hain, kis tarah se accept karte hain apne aap ko, kis tarah se aap apni sare emotions ko own karte hain, jo achhi baatein hain aap mein aur jo buri baatein hain un sab ko aap shiddat se mohabbat se apnate hain ki haan maine ye galtiyan ki, maine is wajah से की और मगर मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ या करता हूँ एंड आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ. हीलिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट. अगर आप अपनी लाइफ में कोई मीनिंगफुल काम करना चाहते हैं या अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे कोई बहुत बड़ा काम करने आए हैं, तो वो बड़ा काम आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप अपने अंदर का गंक नहीं साफ़ करेंगे. और उस गंक को साफ़ करने के लिए आपको ना अपने साथ बैठना पड़ेगा. एंड दैट्स वाज माय topic for today is when you start going on the path of healing, jo number one cheez aapne karni hai na wo hai listening, matlab sunna, apne aap ko sunna. हम अपने आप को नहीं सुन पाते क्योंकि हमारे पास इतने लोग हैं आसपास, इतनी चीज़ें हैं करने को, इतने गाने हैं सुनने को, इतनी यू नो टॉक्स हैं, लाइक पॉडकास्ट हैं, लाइक पता नहीं क्या 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 खचा खच खचा खच खचा खच चल रहा है दुनिया में, जो लोग सुने जा रहे हैं अपने अंदर कानों के लिए जा रहे हैं. ये सब ना आवाज़ें हैं और ये सब ना शोर हैं, ये सब आपके बाहर की आवाज़ें हैं, आपके अंदर की आवाज़ नहीं है. आपके अंदर की आवाज़ जो आपकी रूह की आवाज़ है वो आपके खुदा से कनेक्टेड है. जब मैं ये बोलती हूँ ना कि खुद का रास्ता, खुद से खुदा तक का रास्ता, इसमें का मतलब ये कि आप जब खुद से दोस्ती करेंगे आपकी ऑटोमेटिकली आपने खुदा से दोस्ती हो जाएगी. इट इज़ इट्स लाइक इनएविटेबल. मतलब ये कोई ऐसी ये होगा तो ये नहीं होगा वाला सीन नहीं है. यहाँ पर जब आप अपने आप से दोस्ती करोगे आप ऑटोमेटिकली अपने खुदा के नज़दीक हो जाओगे. आपको समझ में आने लग जाएगा कि
उसने आपको कितनी मेहनत से आपकी कहानी लिखी और बार बार किस तरीके से आपको वो खड़ा करता है, बार बार वो आपके ऊपर कितना काम कर रहा है। इट्स लाइक जब हम कोई पेंटिंग या कोई आर्ट वर्क या स्कल्पचर करते हैं तो उसको आहिस्ता 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 उसको बिल्ड करते हैं, कलर्स को आहिस्ता आहिस्ता पेंट करते हैं, उसी तरह से आपको बना रहा है, आप उसका आर्ट वर्क हो, वो है या मुसव्विर या खालिक, वो है आपका क्रिएटर। तो वो आपको बिट बाई बिट बना रहा है। और हम को ये याद रखना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, सबसे बड़ा हमारा सच, हमारी पावर, हमारा सबसे बड़ा तोहफा जो उसने हमें दिया है वो ये कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। इससे उसने हमें पकड़ा हुआ है, जैसे हमारी रूह पर ये गड़ा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, वो हमारा खुदा है। और हम जितना खुद को जानेंगे उतना हम अपने खुदा को जानेंगे, जितना हम अपने आप से बात करेंगे उतना हम अपने खुदा से बात करेंगे। हम टाइम निकाल लेते हैं कैचअप करने का, दोस्तों के साथ कॉफ़ी पीने का, डिनर्स पे जाने का, गपशप लगाने का, शादियों में जाने का, बर्थडे पार्टीज, अकीके, पता नहीं आजकल तो कितने सारे क्या क्या इवेंट्स होते रहते हैं दुनिया में, लोगों की लाइफ में हम ये सारों में इतने मसरूफ़ रहते हैं और घर आते हैं फिर थक जाते हैं, कपड़े चपड़े चेंज करते हैं और धाड़ करके बिस्तर पे गिर जाते हैं, हाँ भाई बहुत अच्छा दिन था, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, वाह 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 क्या ज़िंदगी है। क्या वाकई ये ज़िंदगी है? क्या वाकई ये भागने वाली ज़िंदगी ज़िंदगी है? लाइक आपको मज़ा आ रहा है, आप भागे जा रहे हैं, लोगों की सुने जा रहे हैं, ग़ुलामी किए जा रहे हैं सोसाइटी की, मतलब इसमें क्या मज़ा आ रहा है जी कर आपको? और लाइक इसमें खुदा कहाँ है? किसी की शादी या किसी की बर्थडे पे जाने में खुदा कहाँ से आ रहा है? लाइक ये तो आप सिर्फ दुनियावी चीज़ कर रहे हैं ना, तो आप खुदा की आवाज़ कहाँ है जो आपके दिल को सुकून देगी, जो आपके दिल को जगा देगी, जो आपके दिल में जा कर ना एक, जब खुदा की आवाज़ आपके दिल में जाग जाए, उसकी पुकार ही पुकारो जो आपको सुनाई दे, एक जैसे ठहराव आ जाता है, जैसे कि आपकी रूह को घर मिल जाए, जैसे कि आपकी रूह बैठ जाए, भाग भाग के सोच सोच के, बातें कर कर के, चीज़ें कर कर के, लोगों को प्लीज़ कर कर के, हम उसमें भीड़ में खो के ना खुदा को खुश नहीं रख सकते, क्योंकि हम खुदा से तो बात भी नहीं करते। एक दफ़ा मैं ऐसी बैठी हुई थी और मैं खुद से बात कर रही थी और ऐसे ही मुझे ख्याल आया कि मैंने कहा कि मैं अपने आप से बात करती हूँ बहुत ज़्यादा और मैं ये सोचती हूँ कि मेरा खुदा भी मुझसे बात करता है। और उस बातचीत में मैंने बोला कि अल्लाह मियाँ तुम मुझसे बात करते हो तो औरों से भी करते होगे? तो उसने कहा बात तो मैं सबसे करता हूँ, इंतज़ार मैं सबका कर रहा हूँ, बट हम ना कोई आए भी तो ना, कोई उठाए भी तो मेरी किताब, कोई देखे भी तो मेरी तरफ और ऐसे देखे कि समझे कि वो मेरा आशिक है। हम खुदा को ना एक पेडेस्टल पे बिठा कर ऊपर करके रख देते हैं, अपना महबूब नहीं बनाते, अपने दिल में नहीं उतारते। पूजा तो करनी है उसकी ऑफकोर्स, पर उस पूजा में ना एक अगर इश्क का एलिमेंट हो तो सडनली जैसे कि सारी भूख सारे रास्ते अगर उसी की तरफ जा रहे हैं तो वो आपकी ऐसे प्यास बुझाएगा कि आपको लगेगा कि ये तो कभी किसी इंसान को नहीं कर सकता था जो ये मेरे अल्लाह ने मुझे दे दिया। अल्लाह ऐसे दरवाज़े खोलता है जब आप उससे बात करते हैं, आप उसके नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, वो आपको, आप एक कदम लेते हैं वो 10 लेता है आपकी तरफ, आप एक नाम पढ़ते हैं वो 99 खोल के रख देता है आपके आगे, आप एक आयत पढ़ते हैं वो सारी कुरान आपको कहता है कि आओ मुझसे, मेरे से बात करो, मुझसे पढ़ो।
उसकी रोशनी जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता आप में समाती जाती है, जब आप ख़ुद से बात करते हो, जब आप सुनते हो अपने आप को, अपने खुदा को सुनते हो। सुनना बहुत ज़रूरी है, अपनी आवाज़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आवाज़ आपको आपके खुदा ने दी है। और आपकी आवाज़ आप तभी सुन सकते हैं जब आप अपने आप से बात करेंगे, अपने आप को वक्त देंगे। उसी तरह से जैसे आप अपने अल्लाह की आवाज़ तभी सुन सकते हैं जब उसको वक्त देंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे। वो तो हमेशा से वहीं है जहाँ है, वो तो हमसे हमेशा से ही प्यार करता है, बट हम उससे कितना प्यार करते हैं ये हम उसको कैसे दिखा सकते हैं। दैट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू वर्शिप अल्लाह, इज़ टू मेक हिम योर प्रायोरिटी। और वो उसकी तो हम हैं ही प्रायोरिटी। करोड़ों लोगों की बात वो सुनता है, मगर इंडिविजुअली सबकी मुरादें पूरी करता है, सबकी दुआएं कबूल करता है। आपका खुदा आपका इंतज़ार कर रहा है। आप उससे बात करिए, वो आपको आपके जवाब देगा। आप उसकी तरफ बढ़िए, उसको प्रायोरिटी बनाइए, उस रास्ते पे चलिए जिस रास्ते पे आपको पता है कि आपका खुदा आपसे खुश होगा। अपने आप को सुनने की कोशिश करिए, आज बैठिए अपने साथ, चाय लेके बैठिए, गुफ्तगू करिए, अपने आप को डिनर पे लेकर जाइए, अपने आप को अच्छे से ट्रीट करिए। आप अपने खुदा का इश्क है, वो चाहता है कि आप अपना ख्याल रखें, और आप अपना ख्याल तभी रखेंगे जब अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे, अपनी बात सुनेंगे, अपने आप से ताल्लुक रखेंगे। अपने आप को जानिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपको प्यार और दुआ भेजती हूँ दिल से, आज और हमेशा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।